If a car was speeding towards my children, I would stand in front of the car and I'm sure I'll stop it. डरता हूँ कि मेरी शोहरत और नाम का खामियाजा बच्चों को न भुगतना पड़े। बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता शाहरुख खान का पुराना वीडियो वायरल। My biggest fear is my fame. My name could spoil their life. मुंबई टू ड्रग्स पार्टी मामले में बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के कुछ पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बीच उनका एक और वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डरता हूँ कि मेरी शोहरत और नाम का खामियाजा बच्चों को न भुगतना पड़े। वायरल वीडियो में शाहरुख खान कहते हैं कि कोई दोस्त या रिश्तेदार किसी गाड़ी के सामने आ जाए तो उसे बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मेरे बच्चे गाड़ी के सामने आ जाएं तो उस गाड़ी के सामने खड़ा होकर उसे रोकेंगे। डरता हूँ कि मेरी शोहरत और नाम का खामियाजा बच्चों को न भुगतना पड़े। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम गुरुवार को शाहरुख खान के घर मन्नत भी पहुंची। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा कि NCB की टीम आर्यन खान से जुड़े कुछ दस्तावेज लेने शाहरुख खान के घर गई थी। वहां पर कोई छापेमारी नहीं की गई। आपको बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले में आर्थर रोड जेल में बंद बेटे आर्यन खान से अभिनेता शाहरुख खान ने गुरुवार को मुलाकात की। करीब 20 मिनट शाहरुख ने जेल के अंदर बिताया और फिर वो वहां से निकल गए। ये पहली बार है जब शाहरुख खुद बेटे का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। आर्यन खान की जमानत याचिका सेशंस कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी थी। समाचार एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि शाहरुख खान जब जेल के अंदर आए तब उनकी एंट्री ठीक उसी तरह से हुई जैसे कैदियों से मिलने आए बाकी परिजनों की होती है। किसी सामान्य आरोपी के परिजन की तरह ही शाहरुख ने भी आरोपी से मुलाकात की और कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। वो सामान्य नागरिक की तरह आए और बेटे से मिलकर चले गए। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक जरूर पहुँचे।